हेलो डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ हेतल गोस्वामी फ्रॉम माँ आशापुरा विद्या संकुल। टुडे वी विल लर्न स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट SS एंड अवर टॉपिक इज चैप्टर नंबर 8 नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि अलग अलग जो कुदरती संसाधन हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो इसके अंदर इसके जो आधार जो पार्ट है वो हमने कर लिया है। अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है सॉइल के ऊपर, यानी कि सॉइल फॉर्मेशन, या इसके अलग हम देखें तो किस तरह से हमें ज़मीन का निर्माण है वो करना चाहिए। इसी तरह से ज़मीन है उसके हम अभी जो प्रकार हैं वो हम देख रहे हैं। तो ज़मीन है वो क्या है, तो पृथ्वी के अंदर उसका जो स्तर होता है, यानी कि उसका जो लेयर होता है, उसके क्रस्ट के कारण उसका अर्थ के कॉल्ड विथ विच कंटेंस मिनरल, यानी कि अलग अलग मिनरल के कारण उसकी सपाटी और उसके जो लेयर के कारण हम ज़मीन को पहचान सकते हैं। हमने यहाँ पे ज़मीन के जो अलग अलग पार्ट देखे थे, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ICAR यानी कि जो भारतीय कृषि संसाधन है, काउंसिलर ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, उसके बारे में हमने देखा था किस तरह से उन्होंने जो हमारी टाइप्स ऑफ सॉइल यानी कि जो ज़मीन के 8 प्रकार हैं वो अलग अलग तरीक़ों से हमारे सामने लाए थे। इसी तरह से हमने इस 8 प्रकार के बारे में और एक बार आपको नाम इसके याद दिला दूं, तो पहला था एल्यूवियल सॉइल, फिर था रेड सॉइल, फिर है ब्लैक सॉइल, फिर है लैटेराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल एंड मिर्ची एंड पीट सॉइल, यानी कि अलग अलग प्रकार की यहाँ पे जो मिट्टी है, ज़मीन है, उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे हमने अभी इसके प्रकार के बारे में देखा, अलग अलग उसके प्रकार हैं। आज हम अलग अलग ज़मीनों के बारे में देखेंगे। तो पहला उसका प्रकार है वो है एल्यूवियल सॉइल, यानी कि जो कांप की ज़मीन है उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो उसके बारे में हमने देखा था कि किस तरह से भारत की भूमि में इस प्रकार का क्षेत्रफल है इसका 43%, ठीक है, इसका ये इतने स्क्वायर में बटी हुई है 43 स्क्वायर में। और ये पूर्व के देखें तो ब्रह्मपुत्र से शुरू होके सतलुज की नदी तक इसका मैदान बना हुआ है। तो किस तरह से अलग अलग दक्षिण भारत में नर्मदा, तापी, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, ऐसी अलग अलग नदियों के बीच में ये अपनी कुछ अलग ही छाप दर्शाती है। इसी तरह से हम देखें तो ये जो नदी है, ये जो ज़मीन होती है कांप की ज़मीन, उसका निर्माण नदियों का निक्षेपित कांप के द्वारा होता है। यहाँ पे इस ज़मीन के अंदर पोटास, फॉस्फेट एसिड और अलग अलग ऐसी पोटास फॉस्फेट एंड लिमिटेशन, अलग अलग प्रिपरेशन के कारण इसका जो न्यूट्रिशन है और ह्यूमन से उसके कारण ये ज़मीन है वो प्रमाण में सबसे ज़्यादा दिखने को मिलती है। अब बात ये आई कि इस ज़मीन पर हम सबसे ज़्यादा क्या उगा सकते हैं। तो इस ज़मीन में हम देखें तो ग्रो क्या कर सकते हैं, तो सॉइल ऑफ निमेशन कंटेंट कैन बी सिट्यूबल, यानी कि क्रॉप्स ऑफ वाइट है, पेड़ी है, शुगर कैन है, ऐसी अलग अलग चीज़ों को हम इस ज़मीन पे उगा सकते हैं। इसी तरह से हम इतने तक तो कर चुके हैं। आज जो है वो हमें यहाँ पे एक मैप दिया गया है, उस मैप को हम देखते हुए चलें। तो ये जो मैप है वो इंडिया की जो मैप है, यानी कि मेजर सॉइल ऑफ टाइप, इंडिया की जो ज़मीन है उसमें कौन कौन से प्रकार की जो ज़मीन है उसका बताया गया है। तो यहाँ पे अलग अलग कलर्स आप यहाँ पे इस मैप के अंदर एक बॉक्स देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसी ये जो बातें हैं वो दर्शाई गई हैं, जैसे देखें तो टाइप्स ऑफ सॉइल यहाँ पे येलो कलर दिया गया है। येलो कलर यानी कि एल्यूवियल सॉइल, जो कांप वाली जो ज़मीन होती है उसकी यहाँ पे बात की गई है। फिर दिया गया है ब्लैक सॉइल यानी कि जो काली मिट्टी है। तो इस मैप के अंदर जो अलग अलग कलर, पहला ये कलर दिया गया है येलो कलर, तो किस तरह से येलो कलर के अंदर इंडिया के मैप में ये दर्शाया गया है। फिर यहाँ पे बात की गई है कि ब्लैक सॉइल यानी कि जो ब्लैक कलर की जो कहाँ पे मिट्टी है वो दर्शाई गई है। फिर यहाँ पे देखें तो रेड सॉइल, तो कहाँ पे ये जो लाल मिट्टी है वो दर्शाई गई है। फिर है ग्रीन मिट्टी यानी कि लेटरल सॉइल, जिस तरह से अलग अलग लेटेराइट यानी कि पड़खाऊ जिसे हम ज़मीन के नाम से जानते हैं वो कौन से स्थल में, कौन से प्लेसेस में यहाँ पे दर्शाए
गए हैं। इसी तरह से फॉरेस्ट सोइल, जो ज़मीन है वो फॉरेस्ट की है, जंगल खाते की है, वे उस प्रकार की यहाँ पे बात है। फिर यहाँ पे दी गई है ब्लू कलर की लाइन, आप देखेंगे जो डेजर्ट सॉइल है, यानी कि जो रण के अंदर यानी कि डेजर्ट के अंदर जो ज़मीन का कलर दर्शाया गया है वो यहाँ पे बताया गया है। तो क्लियर किस तरह से यहाँ पे इस मैप को दर्शाया गया है, तो अलग अलग रंग के द्वारा हम इस ज़मीन को दर्शा सकते हैं। क्लियर, ये हमने अभी जो किया वो था मैप। आगे के वीडियो में यानी कि अभी का हमारा जो पार्ट है उसे हम देखें, तो अभी हमारा ये टॉपिक है सेकंड, यानी कि रेड सोइल, जो रेड कलर की जो ज़मीन होती है उसके बारे में हम देखें। यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, आप देख ही सकते हैं, तो किस तरह से ये जो मिट्टी है वो रेड कलर की यहाँ पे दर्शाई गई है, इसके बारे में हम देखें। रेड कलर की जो ज़मीन है वो भारत में कुल क्षेत्रफल में हम देखें तो लगभग 19% इस क्षेत्रफल में हमें यहाँ पे दिखने को मिलती है। दक्षिण के द्वीपकल्प के तमिलनाडु से लेके उत्तर के बुंदेलखंड से यूपी के पूर्व में ये राजमहल की टेकरियों में और पश्चिम से कच्छ तक के विस्तार में ये जो रेड कलर की मिट्टी है वो हमें यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे हम देखें तो किस तरह से ये जो मिट्टी है यानी कि ये जो रेड मिट्टी है वो अपने अंदर क्या दर्शाती है, तो फेरिक ऑक्साइड की हाजिरी के कारण इसका जो रंग है वो लाल कलर का हो गया है, यानी कि रेड कलर का हो गया है। इसके कारण इसके जो नीचे जाते ही हमें येलो कलर में फिर जाता है। इस ज़मीन के अंदर जो छोटी छोटी कंकरी होती है, फिर कार्बोनेट है, वो हमें नहीं मिलते हैं। सबसे ज़्यादा इस ज़मीन में मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और उसके पोटाश की उणप हमें सबसे ज़्यादा दिखने को मिलती है। इस प्रकार की ज़मीन में हम क्या सबसे ज़्यादा क्रॉप कर सकते हैं, तो देखें तो मिलेट है, कॉटन है, वाइट है, फिर देखें तो ज्वार है, लेंसिड है, अलग अलग ऐसी जो यानी कि पटेटो हैं, ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं वो हम इस ज़मीन के अंदर ग्रो कर सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से ये जो रेड सॉइल है वो अपने आप में ही अपनी कुछ अलग ही छाप दिखाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो आप आए नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे हम देखेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। अब ये जो ब्लैक सॉइल है वो क्या है, तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है टेक्स्ट बुक के अंदर 8.3 से लेके काली जो ज़मीन है उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो किस तरह से ये जो काली ज़मीन है वो अपने आप में एक अलग ही छाप दर्शाती है। यहाँ पे देखें तो काली और रेगुर नाम की ज़मीन ये भारत के क्षेत्रफल में 15% क्षेत्रफल में हमें दिखने को मिलती है। ब्लैक और रेगुर सोइल हमें कहाँ कितने तक दिखने को मिलती हैं, तो 50% तक इस क्षेत्र पर में दिखती है। अब यहाँ पे हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो कांप वाली जो ज़मीन थी यानी कि एलिवेल सॉइल थी वो 43% थी। इसके बाद हमने देखी थी रेड सॉइल जो भारत के अंदर 19% में है, और इसी तरह से ये जो ब्लैक सॉइल है वो 15% में दिखने को मिलती है। तो चलिए अब यहाँ पे हम देखें तो ये जो ब्लैक सॉइल है वो क्या है, तो इस ज़मीन का उद्भव है वो दक्षिण के लावा में पथराया हुआ है। किस तरह से महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदर के बहुत सारे ऐसे पार्ट में इस जगह के अंदर ऐसी ज़मीन दिखने को मिलती है। गुजरात के अंदर भी सूरत है, भरूच है, नर्मदा है, वडोदरा है, तापी है और डांग जिले के अंदर ऐसे ज़मीन के प्रकार हमें दिखने को मिलते हैं। इसी ज़मीन के निर्माण में लावाई खड़िक यानी कि आबोहवाओं के भूमि के रूप में हमें इस ज़मीन के दिखने को मिलते हैं। यहाँ पे लाइम, आयरन, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रमाण सबसे ज़्यादा दिखने को मिलता है। इस ज़मीन की फलद्रुपता है वो सबसे ज़्यादा अच्छी दिखने में आती है। इस ज़मीन का जो भेज है उसके अंदर संग्रहण शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। इस भेज के अंदर हम देखें तो फाटो और तिराड़ हो जाते हैं, ये जो ज़मीन है वो कैसे हो जाती है, तो उसके अंदर अलग अलग ऐसे पार्ट्स बन जाते हैं। इस प्रकार की ज़मीन के अंदर कपास, अलसी, सरसों और देखें तो मगफली है, तंबाकू है, अड़द है, कठोड़ है, ऐसे अलग अलग पाक यहाँ पे बनाए जाते हैं।
कपास के पाक के विशेष अनुकूल होने के कारण ज़मीन के अंदर कपास और ज़मीन सबसे ज़्यादा महत्व का होता है। क्लियर? किस तरह से ये जो ब्लैक सॉइल है वो अपने आप में ही अपनी महत्वता दर्शाती है। आज हमने मैप के बारे में देखा और ये जो रेड सॉइल है उसके बारे में देखा और ब्लैक सॉइल के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो लेटराइट सॉइल है और डेजर्ट सॉइल है, माउंटेन सॉइल है, फॉरेस्ट सॉइल है, ये सारी जो ज़मीनें हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसे घर पे रिवाइंड करें, जिसके कारण आप जब मैं आपको ये चैप्टर कराऊँ तो आप इसे आसानी से समझ सकें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।